5000 से ऊपर लोग आपके सामने हैं और 1500 लोग लगातार पिछले 8 दिन से पदयात्रा पे। 2 तारीख को ये पदयात्रा शुरू हुई थी। इस बार लोगों के मन में एक विश्वास है कि सरकार जिले बनाने जा रही है। अभी तक पिछले कई दशकों में नए जिले नहीं बने, 1-2 प्रतापगढ़ वगैरह जिले बने थे, बाकी जिले नहीं बने। अब मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया है राम लुभाया जी की अध्यक्षता में, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देने जा रही है और उससे सब लोगों को ये लग रहा है कि इस बार जिलों का गठन नयों का होगा। और नीम का थाना चूँकि बरसों पुरानी इसकी मांग है, सारे मापदंड ये पूरे करता है और राजाओं के समय से यहाँ पे निजामत चलती थी जिसका अधिकार क्षेत्र बैराट से लेकर खेतड़ी तक था, यानी सारे फैसले उस निजामत में हुआ करते थे राजाओं के जमाने में। तो निश्चित तौर पे प्रशासन का ये पहले से ही एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और इसीलिए 1955 में कपिल देव जी ने पहली बार नीमका थाना को जिला बनाने की मांग विधानसभा में रखी थी और तब से आज तक ये मांग निरंतर चली आ रही है। जनता के मन में एक बहुत बड़ी भावना है कि नीमका थाना निश्चित रूप से जिला बनना चाहिए। सीकर जिले से जो हमारा मुख्यालय है उससे बहुत सर्वाधिक दूरी, सर विधानसभा सर्वाधिक दूरी है, बजट के अंदर मतलब इसकी घोषणा हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, दूरी सबसे ज़्यादा है मुख्यालय से। हरियाणा से काफ़ी लंबा बॉर्डर लगता है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब रहती है। यहाँ पे सारी आधारभूत सुविधाएं जो जिले के लिए होनी चाहिए, ADM का कार्यालय खुल चुका है, एडिशनल SP का कार्यालय है, 2-2 ADJ की न्यायालय हैं, CJM बैठते हैं, जिला स्टेडियम है, जनाना अस्पताल है, जिला अस्पताल है, CTO का ऑफिस है, इनकम टैक्स का ऑफिस है, यानी जितने ऑफिस PHED PWD JVVNL इन सब के अधिशासी अभियंता वहाँ पे बैठते हैं, मापदंड पूरे होते हैं। सुन लो आते यार, बात तो करने तो पूरी यार, राजकुमार जी बीच में टांग अड़ा लाइन इसमें से गुजर रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसमें से गुजर रहा है और बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है सीकर जिले का और सबसे बड़ी जनसंख्या है सीकर जिले की और सर्वाधिक दूरी है, इसलिए नीम का थाना को जिला बनाया जाना बहुत आवश्यक है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा सरकार पे वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। 5 आदमी होते हैं तो उनके अंदर भी अगर कभी कभी है ना कोई बात है ना सफल नहीं हो पाती तो हम बैठ के वार्ता करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पॉजिटिव रुख में CM साहब ने बात की डेलीगेशन से तो हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि ना आने वाले बजट में बनेगा। मैडम पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने PC करके ये साफ साफ कह दिया था कि ये बगावत है मुखिया से, तो रमेश जी ने नहीं की क्या बगावत? पिछली बार उन्होंने टिकट क्यों लिया RLP की? नहीं, बात वो बगावत की नहीं, बगावत ये है कि जिला बनाने की मांग को लेकर आप यहाँ पर जा रहे हैं या बगावत रैली निकाल के क्या जिला बनने की उम्मीद रखते हैं आप? हम लोग उम्मीद के साथ ही तो आए हैं, उम्मीद है तभी तो हम लोग बच्चों को छोड़ के महिलाएं आई हैं। बहुत शांतिपूर्ण और गांधीवादी रैली है, इसमें बगावत जैसी कोई गुंजाइश है ही नहीं। और सुरेश मोदी जी जो हैं वो हमारे बहुत ही गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले विधायक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बगावत जैसी कोई गुंजाइश है और गुटबंदी जैसी कोई चीज़ भी इसमें शामिल की नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये तो नीमका थाना की जनता की मांग है। हम नहीं कह रहे, पूर्व विधायक कोई भी कह रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को पिन पॉइंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति कह रहे हैं तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये पूरे नीमका थाने की मांग है, क्योंकि जिला मुख्यालय हमारे यहाँ से 75 किलोमीटर पड़ता है। आम जनता को जितनी परेशानी होती है उतनी शायद और किसी को नहीं होती है, चाहे पूर्व विधायक रहे हो चाहे मंत्री रहे हो। तो एक आम जनता होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि अगर नीमका थाना जिला बनता है तो ये जनता के हित में बहुत बड़ी बात होगी और सुरेश जी आगे अगली बार विधायक जरूर बनेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम खुशहाल चौहान है। बरसों पुरानी है जिसे लेके ना हम लोग काफ़ी कॉन्शियस थे कि भाई नीमका थाना जिला बनना चाहिए और सुरेश मोदी जी ने, हमारे विधायक साहब ने जो ये प्रयास किया है, ये जो हुजूम उमड़ा है पब्लिक का, तो इससे आप बिल्कुल है ना अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम लोग कितने इस चीज़ को ये लेके मांग लेके कितने कॉन्शियस थे इसके लिए। और आज जो सकारात्मक वार्ता हुई है CM साहब से MLA साहब की, तो उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि आने वाले बजट में नीमका थाना को वो जिला घोषित करेंगे। इसके लिए हम बारंबार CM साहब के भी बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरे नीमका थाना की पब्लिक की तरफ से और यहाँ पे मीडिया और जिन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।